नमस्कार फ्रेंड्स, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2018 की जो परीक्षा हुई है 4 मार्च फर्स्ट में, और हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं जिनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये सवाल आए आज की फर्स्ट शिफ्ट, जो कि 4 मार्च की 10 से 11 बजे तक की, जो सुबह 10 से 11 बजे तक की पहली शिफ्ट थी। तो दोस्तों, आज जो सवाल आए वो इस तरह से थे। एक क्वेश्चन जो है वो आया नोबेल प्राइज़ से, यानी कि 7 विभागों में जो नोबेल प्राइज़ अभी अक्टूबर के महीने में हुए थे, अभी हमें ये नहीं पता चला किस नोबेल प्राइज़ से पूछा। अगर आपके पास हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डांचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू एंड J&K में ये पूछा गया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा गया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है। वन क्वेश्चन होता है ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर से रिलेटेड है, ये कैंसर से रिलेटेड है। एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको मालूम है 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया था। एक क्वेश्चन रिलेटेड था विटामिन एड से रिलेटेड, हो सकता है विटामिन एड की बीमारी पूछी गई है, रतौंधी वगैरह। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलीमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन था। फुल फॉर्म ऑफ SMTP पूछी गई थी, पहले भी SSC के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी जाती रही है, तो फुल फॉर्म को जरूर देख के जाएं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। आगे देख लें दोस्तों, नेम ऑफ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, तो मंगोलिया या रशिया, इनमें से एक हो सकता है, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ टोटल बजट पूछा गया है इसमें। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स या के बारे में पूछा गया है, फ्रिक्स से रिलेटेड है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन के बारे में पूछा गया है, डेफिनेशन नहीं आई होगी, वहाँ कुछ उदाहरण दे रखा होगा इसलिए सर्कुलर मोशन से। वन क्वेश्चन इज i3 प्रोसेसर के बारे में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया व्हाट इज द मीनिंग और डिफिशिट फाइनेंसिंग के बारे में एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आया है क्वेश्चन, जैसे 22 गुण सूत्र होते हैं, 23वां जो सेक्स क्रोमोजोमस है उससे रिलेटेड आया था। व्हाट इज एलोकेशन ऑफ नेशनल फार्मा मिशन, ये पूछा गया है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी से आया है, एक कथकली डांस से भी आया है जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था। एक क्वेश्चन दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड आया, हो सकता है अभी अर्जुन अवार्ड और ये द्रोणाचार्य अवार्ड पार्टिसिपेट हुए थे, किसको मिला है आप देख के जाइएगा लिस्ट। एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थिंक 368 के बारे में पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी जी नौकरी चैनल पर आए हैं, इसमें idioms ऑफ phrases आए हैं, रनिंग एंड कैट्स ऑन डॉग्स, पीस ऑफ केक्स, एल्काइल हील से रिलेटेड idioms phrases पूछे जाते हैं, रिपीट जरूर होंगे। सिंटोम synonyms और एंटोनिम, फ्लुएंट और पैथेंटिक का एंटोनिम और सिनोनिम पूछा गया है। तो अभी तक हमारे पास यही क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट के, जैसे ही हमें सारे क्वेश्चन आएंगे हम एक बार फिर शेयर करेंगे। इसके अलावा ये फाइल आपको PDF फाइल के रूप में मिल सकती है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर एक PDF फाइल भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली शिफ्टों में जो भी एग्जाम हो तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत।